नमस्कार, मैं हूं इंद्रपाल चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। इस समय मुंबई महानगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर तरफ शोर शराबे, गुड़ा गड़ित, जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। हर कोई अपने अपने कसम पेश में लगा हुआ है। टिकट की भागम दौड़, उम्मीदवारों में जनता के प्रति रुझान फैलाने की कोशिश, हर तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। किसी प्रकार से महानगर पालिका की बाजी अपने हाथ लेनी है। इसमें कई लोग पार्टी स्तर पे अभी उम्मीदवारी को लेकर के भी असमंजस में बने हुए हैं। इस समय हम जो परचर्चा हमेशा आपको दिखा रहे हैं चुनावी माहौल का, उसमें हम कुछ ही अन्य अलग अलग शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चुनाव में उनके क्या सपने हैं, क्या जनता में सेवा करने के उनके क्या तेवर हैं, क्या तरीके हैं, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं इस समय शिवसेना के युवा नेता, जो युवा नेता यहाँ विभाग के उप विभाग अधिकारी हैं, श्री गणेश, डॉक्टर गणेश राजे भोसले। अगर हम इनको एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ के जो शिवसेना के उप विभाग प्रमुख हैं विजय भोसले के सुपुत्र हैं। और पहली बात की हम बता दें कि इन्होंने MBA फाइनेंस में एक डॉक्टरेट की है और लंदन से इन्होंने पूरा रिसर्च करके रिटर्न आए हुए हैं। और सोशल साइंस में इनकी बहुत बड़ी महारत है, इसलिए सामाजिक दृष्टि से ये पूरे महानगर पालिका में बदलाव लाने की कोशिश और बदलाव लाने की एक सपना सजो करके इस चुनाव में अपना कदम रखने की कोशिश में फिराक में लगे हुए। पार्टी इनको कितना इस पे अमल करती है तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे साथ हैं आपका मेट्रो मुंबई की इस पर चर्चा में गणेश जी, आपका स्वागत है सारे दर्शकों की तरफ से। नमस्कार। और अब हम एक सवाल आपसे करना चाहें कि आपने एक डॉक्टरेट डिग्री आपके पास, MBA फाइनेंस से, सोशल साइंस में आपने बहुत बड़ी महारत हासिल की है, लंदन से आपने एक रिसर्च करके आए हैं, इतनी एजुकेशन के बावजूद आप आखिर चुनाव की प्रक्रिया में क्यों जाना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं मेट्रो मुंबई चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा और मेट्रो मुंबई के सारे दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए इस नए साल में एक नवयुवक की ओर से समाज के लिए कुछ अच्छी चीज़ें हो। आज कांदिवली यह एक ऐसा विभाग है जहाँ पर पिछले कई सालों से मेरे पिताजी कार्यरत हैं शिवसेना पार्टी की ओर से। और उसी दरमियान जब बाहर गाँव, अभी जैसे आप बता रहे थे कि मैं विदेश, मेरी यात्रा, मेरा विदेश दौरा जब भी हुआ, वहाँ पर जाके मैंने अपना एजुकेशन पूरा किया। पूरा करने के बाद समाजशास्त्र में मेरी डिग्री है। अभी मेरा बड़ा रुचि का विषय है क्योंकि मैं उसमें PhD कर चुका हूँ, तो इस पर 2 मिनट में बात करना चाहूँगा। समाजशास्त्र पर जब भी मैंने PhD की, उसकी पूरी रिसर्च मैंने बाहर गांव में की, UK में की। वहाँ की समाज नीति, वहाँ की राजनीति, वहाँ की जो रहन सहन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, उस पर रिसर्च करके यह चीज मैंने वहाँ पर सबमिशन की। उसी चीज को अगेन मैं यहाँ पर जब रिटर्न आया, उसी चीज के ऊपर मैंने आगे चल के डॉक्टरेट लिया है। उसके पहले मैंने, मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर देखने के जाएंगे तो मैं MBA फाइनेंस हूँ। और आने के बाद में आज करीब करीब 35 साल से मेरे पिताजी यहाँ पर शिवसेना पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और आते ही मैंने हमारे शिवसेना पार्टी के पार्टी प्रमुख श्री उद्धव जी ठाकरे, इनके सुपुत्र आदित्य जी ठाकरे, इन्होंने एक संकल्पना उसी साल मेरे, मतलब मैं मेरा सुदैव समझूंगा कि मैं जैसे ही यहाँ पर आया मुंबई वापस, मुंबई उसी साल युवा सेना का लॉन्च हुआ और उसी साल युवा सेना का झंडा लेके मैं उनके साथ में चल पड़ा। अच्छा, चल पड़े। आज कांदिवली के विभागीय कार्यकारिणी में उप विभाग अधिकारी हूँ मैं, और कांदिवली में अनेक उपक्रम काफी सालों से हम यहाँ पर करते आ रहे हैं। बट ये करते करते जब आप समाज कार्य कर रहे हैं, उसी समय थोड़ा बहुत ऐसा भान होता है कि समाज कार्य सिर्फ बाहर
सिस्टम के बाहर रह के करना ही नहीं और सिस्टम में रह के करना, इसमें थोड़ा सा फर्क है। और चारकोप विधानसभा कांदिवली का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी पार्टी का सिर्फ एक ही नगर सेवक है चारकोप विधानसभा में। तो इसमें ये पूरी राजनीति की वजह से है, इसमें कोई समाज नीति या उस वजह से नहीं है। समाज का शिवसेना के लिए समाज की जो पसंद है वो हमेशा ही रही है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में बहुभाषिक समाज है, गुजराती, उत्तर भारतीय, हमारे मुस्लिम बांधव भी हैं यहाँ पर, और मराठी टक्का भी काफ़ी हद तक यहाँ पर है, क्योंकि चारकोप जैसा बड़ा एरिया अगर आप देखने को जाएंगे काफ़ी डेवलप एरिया है। और तो इस प्रकार पक्ष को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला है। अच्छा अच्छा, अभी आप जानते होंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, युति का गणित हो रहा है। मेरी पार्टी का बहुत ही छोटा मोरा हूँ इस चीज़ के बारे में, कोई भाष्य करने लायक, पर एक कार्यकर्ता की हैसियत से अगर मैं बोलने जाऊँगा तो हमारे यहाँ पर एटलीस्ट चारकोप विधानसभा में अगर देखने को जाएं तो चारकोप की जनता जो शिवसेना के ऊपर मन से प्रेम करती है उनके साथ में हमेशा अन्याय हुआ है। अच्छा, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सिर्फ एक ही वार्ड दिया गया। अब इस बार ऐसा हुआ है कि एक वो वार्ड जो है जहां पर पार्टी का प्राबल्य तो है ही, मेरा थोड़ा पार्टी के बारे में बोलना बनता है क्योंकि मैं मेरी पहचान जो है वो मेरी पार्टी की वजह से ही है। तो हमारे जो पक्ष को एक वार्ड का प्रतिनिधित्व करने को मिला है, उस वार्ड में पक्ष ने बहुत अच्छा काम किया है। उस वार्ड का एक काफी अच्छा हिस्सा इस नए फ्रेश वार्ड में आया हुआ है। अच्छा अच्छा, और जो पुराना वार्ड था जिसका काफी बड़ा हिस्सा इसमें ज्वाइन हो गया, ऐसे तीन वार्ड का ज्वाइन हो गया, एक फ्रेश वार्ड बना हुआ है। तो ये आई लुक इट एज अ अपॉर्चुनिटी कि आज की डेट में जहां पर उस वार्ड की जनता भी चिढ़ी हुई है, यहाँ की जनता का जो मौसम है वो काफी अनुकूल है और वहां पर भी लोगों की पसंदी मिल रही है, तो दोनों जब ही ज्वाइंट होके ये जो एरियाज आज मर्ज हो रहे हैं तो काफी अच्छी तरीके से मेरे पक्ष के लिए ये चीज जा रही है। अच्छा, नहीं सिर्फ पार्टी लेवल पे आप एक चुनाव का जो मन बनाए हैं, या आपने देखा कि समाज जो जैसे आपने बाहर में स्टडी किया वहाँ पे जो रोम लोगों की रहन सहन है, वहाँ की जो सारी सिस्टम है, कार्यपालन जो महानगर पालिका है या जो भी वहाँ पे जिस तरीके से उनका जो सिस्टम को का कार्य करने की जो पद्धति है, प्रणाली, सिस्टम है, यहाँ का जो सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस देखा? और अगर मान लीजिए आप नगर सेवक एज ए चुने जाते हैं तो सिर्फ चारकोप या वार्ड नंबर 20 या पूरे महानगर पालिका में कोई सिस्टम ऐसा करने की एक आपका? जी बिल्कुल, मैं एक स्पेसिफिक एजेंडा लेकर निकला हूँ। अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मेरा जो कार्य अहवाल होगा उसी के साथ में मेरा एक एजेंडा जाएगा लोगों तक। उसमें डेफिनेटली काफ़ी सारे आउट ऑफ द बॉक्स और इनोवेटिव आइडियाज़ मेरे दिमाग में जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं तो कुछ लोग बस देने के लिए देते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। पर ये जो मेरा जो एजेंडा है वो सिर्फ मुझे ही मौका मिलेगा तो ही दूंगा, ऐसे नहीं है। अगर मेरी पार्टी कोई भी उम्मीदवार देती है उसके पीछे, क्योंकि मेरा एक पद है उसकी एक जवाबदारी है और उसी हिसाब से मैं उस जो पार्टी हमारे उद्धव साहब जो आदेश मिलेगा उसके लिए वो काम हम करना चाहते हैं। आपकी चैनल की ओर से आज मुझे लोगों से बात करने को मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं संक्षिप्त रूप में इस वार्ड की दुविधा आपके सामने रखना चाहता हूँ। चारकोप विधानसभा का जो पुराना 18 नंबर का वार्ड है, जो अभी 19 नंबर हुआ है, जिसमें शिवसेना का नगर सेवक है, मैं अपनी पार्टी के बारे में पहले बोलता हूँ, उन्होंने इतना अच्छा काम किया हुआ है यहाँ पर, और स्कोप नहीं होते हुए भी उन्होंने काम किया हुआ है। स्कोप नहीं होते हुए इसके पीछे एक रीज़न है, ये वाक्य के पीछे मैं आपको नमूद करना चाहूँगा। यहाँ पर बड़े मात्रा में जो भाग यहाँ पर आया हुआ है उसमें महाराष्ट्र शासन की जमीन है, उस जमीन पे एक माथाड़ी कामगार लोग रहते, उनका एक प्रकल्प है, वहां पर जाके
काम करना, या फिर दूसरी जमीन है वो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट की माड़ा की जमीन है जिसमें HIG और MIG की सोसाइटीज है, और इनमें सुख सुविधा प्रोवाइड करने के लिए महानगर पालिका के डायरेक्टली अंडर में ये चीजें आती नहीं है। फिर भी हमारी पार्टी ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर काफी सारे काम यहाँ पर किए हुए हैं, दिए हुए, काफी सारी सुख सुविधाएं दी हुई हैं, और इस चीज का अगर सही हिसाब से आगे चल के फॉलोअप लिया जाए तो आज पार्टी महाराष्ट्र सरकार में भी कार्यरत है। दुर्दैव वो इतना ही है कि आमदार जो है यहाँ पर युति के हैं, आज सरकार में एक साथ बैठे हुए, लेकिन यहाँ के आमदार है उन तक किसी ना किसी चीज से हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखेंगे आगे चल के जो कामगारों का जो इतना बड़ा निवास स्थान है उसके लिए क्या करना चाहिए करना। अभी चुनाव के बेसिस के ऊपर कल को अगर युति नहीं हुई और कुछ ऐसी गड़बड़ हुई तो काफी सारे प्रोमिसेस तो होंगे ही, बट हम प्रयत्न करेंगे कि अगर हमारा उम्मीदवार नगर सेवक और अगर मुझे संधि मिले तो अगर मैं चुन के आऊँ तो इस इशू को मैं जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, एक बात हमें बताइए कि आपके पीछे एक शिवसेना का जो बैकिंग है वो आपके पिता की है, पार्टी से बैकिंग उनके जरिए आपको मिली हुई है, आपने उस जरिए एक पहचान बनाई है, अपने व्यक्तिगत तौर पे जमीनी स्तर पे लोगों से वार्ड में किस तरीके से आपने जुड़ा है? अपने लोगों तक पहुंचे? जी, मैंने आज तक काफी कम काम हाथ में लिए हैं, पर जो जो काम हाथ में लिए हैं वो पूरी तरह से अपने अंतिम टप्पे तक पहुंचे इसकी मैंने दक्षता ली हुई है, और इन कामों में काफ़ी सारे सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर लोक उपयोगी सुविधाओं को उन तक पहुंचाना, कोई परिसर सुविधाओं से वंचित है तो उनको उन तक पहुंचाना, हम डायरेक्टली नहीं कर पाए तो उनके जो प्रतिनिधि है उन तक ये बात लेके जाना, लोगों की आवाज़ उन तक लेके जाना, उनको एप्लीकेशंस करना, संबंधित कार्यालय तक पहुंचना और उनसे ये काम करवा के लेना। कोई ऐसा सामाजिक काम जो यहाँ पे जिया किया जिसमें कुछ आपने यहाँ के लोगों के बारे में कुछ नया स्टडी करने को मिला और कुछ ऐसा लगा कि इनके लिए ये करना चाहिए? सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम है, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे जो चर्चा कर रहा था उसमें मैंने बताया कि एक बड़ा सा जो भाग है वो यहाँ पर हमारे नगर सेवक की ओर से आया, एक भाग है जो कांग्रेस पार्टी की नगर सेविका के ओर से आया हुआ है, बड़े दो भागों को मिलके एक वार्ड बना। सबसे बड़ी समस्या ये है कि एब्सोल्युटली अंडर डेवलप्ड एरिया है और उसका एक बड़ा सा चंक वहाँ से है। अच्छा, और वहीं पर सबसे ज्यादा बहुभाषिक लोग रह रहे हैं जिन्होंने भरोसे से उस पक्ष को चुन के लाया था, पर आज 5 साल बीत गए हैं, वहां पर चलने लायक भी हालत नहीं है। एरिया क्या, कौन कौन सी एरिया आपके? लिंक रोड से मेरा जो वार्ड शुरू होता है उस साइड से अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़े दो एरिया है KT कंपाउंड और गांधीनगर, ये बड़े स्लम एरिया है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, आज सरकार हमारी है BMC में, लेकिन नगर सेविका वहाँ की दूसरे पक्ष की होने के कारण उनके पास और उनकी मात्रा यहाँ इस विभाग के लिए ज़्यादा होने से भी प्रभाग समिति उनके पास रहने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा हुआ है, और काफ़ी लैंड BMC के अंडर आती है जो उसमें काफ़ी सारी विविध प्रकार की परमिशंस लगती है, उन परमिशंस का फॉलोअप लेना, वहाँ के जो विकासक है उनको और वहाँ की जो जनता है उनको दोनों के बीच में अच्छे से समन्वय करके काम को आगे बढ़वाना, ये उतना ही लोक प्रतिनिधि का भी काम है। अच्छा, हाँ। पर लोगों का दुर्भाग्य कि उतना हुआ नहीं, पहुँचा नहीं, उनकी सारी उम्मीदों पर अभी इस घड़ी को पानी फिर गया और सारे लोग चिढ़े हुए नहीं। लेकिन क्या लगता है कि आप अगर आपको यहाँ पे पार्टी टिकट देती है और आप चुन के आते हैं तो क्या लगता है कि सिस्टम को देखते हुए, महानगर पालिका की कार्य प्रणाली को देखते हुए, उस सिस्टम को देखते हुए आप उस काम को आसानी से कर ले जाएंगे? जी, मेरी पहचान में मैंने एक चीज अभी तक बताई नहीं है, मैं जब भी मेरा अपना पूरा एजुकेशन पूरा करके आया हूँ उसके बाद में मैं कांदिवली मलाड़ बोरिवली परिसर में एक अच्छा विकासक के तौर से भी जाना जाता हूँ। मेरा जो व्यवसाय है वो डेवलपमेंट का है, इसके लिए सबसे बड़ा जो इश्यू है यहाँ पर डेवलपमेंट का उसका अच्छी तरह से फॉलोअप मैं ले सकता हूँ ऐसा मुझे लगता है।
अच्छा, आप महाराष्ट्र शिक्षक कर्मचारी संघ के भी अध्यक्ष हैं, उनकी समस्याओं को कुछ आपने स्टडी किया है? हाँ, ये एक्चुअली ये जो पद है ये मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से मुझे चुना गया है इस पद पर। इस पद और इस संस्था की खासियत ऐसी है कि जब भी मैं जूनियर कॉलेज में एडमिशन मेरा हुआ था, यहाँ पर मेरा शिक्षण पाटकर कॉलेज में हुआ है जूनियर के लिए, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वही इस संस्था के अध्यक्ष भी हैं और जिनके अंडर में मैं कार्याध्यक्ष आज इस संस्था का पूरे महाराष्ट्र का यहाँ पर मैं नेतृत्व कर रहा हूँ और हम अलग अलग शिक्षकों तक, शिक्षकेतर मतलब शिक्षक कर्मचारियों तक और उनके साथ में विद्यार्थियों और उनके पालकों कि सारी समस्याओं को कवर करती है। स्थानीय लोकाधिकार महासंघ ये एक बड़ा महासंघ है, आदरणीय गजान कीर्ति और हमारे अनिल देसाई साहब और हमारे बड़े साहब, हम जिनको बोलते हैं अड़सुल साहब, तो आनंदराव अड़सुल साहब, इनके मार्गदर्शन में इसका काम हो रहा है मेरा पूरा महाराष्ट्र में। और इस संस्था की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से जो एक बांधणी हम बोलते हैं वो कर रहे हैं। आपकी उम्र क्या होगी? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं मुझे मालूम कि मैं थोड़ा कैमरे पूछ रहा हूँ, आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र 28 साल है। 28 साल, मैं आपको बता दूँ उम्र मैंने इसलिए पूछा कि अगर आपके सामने एक ऐसा कैंडिडेट आ रहा है जो चुनाव मैदान में है, 28 साल का एक यंग प्रतिनिधि, मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ अगर इनको यहाँ पे नगर सेवक चुन लिया यहाँ की जनता ने वार्ड क्रमांक 20 की, तो शायद ये मुंबई महानगर पालिका का एक इतिहास होगा कि इतने कम उम्र का और इतना एजुकेटेड आदमी, इतना एजुकेटेड प्रतिनिधि, और वो भी पार्टी ने जिस हिसाब से इनकी काबिलियत को देखी है, कई जिम्मेदारियां भी इनको दी है, अब यह जनता कितना भरोसा दिखाती है, पढ़े हुए लोगों पर कितना विश्वास दिखाती है, आज की राजनीति किस तरीके से करोड़ बदल रही है, लोग भी बदल रहे हैं, लोगों में भी बदलाव आ रहा है और लोग चाहते हैं कि हमारे एरिया का, हमारे क्षेत्र का, हमारा प्रतिनिधि एक शिक्षित युवा हो, इस पर खास लोग अमल करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन चुनाव का गणित, चुनाव का वोट कभी भी किसी करोड़ बदलता है, किसी तरह बैठता है, चुनाव में तरह तरीके के हथकंडे भी अपनाए जाते हैं, वह देखते हुए क्या निर्णय आता है यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल हम इनसे, गणेश राजे भोसले से एक बात पे हम चर्चा जारी रखेंगे, वो बात है कि यहाँ का महानगर पालिका का सिस्टम किस तरीके से काम करता है कि गलत को गलत और सही को सही बनाने के लिए भी करप्शन का दौर मुंबई महानगर पालिका में चलता है, ऐसे कंडीशन फिर निपटेंगे कैसे और ऐसे कंडीशन को अगर इनको जिम्मेदारी दी गई तो सुधारेंगे कैसे, पर चर्चा जारी है, देखते रहिए मेट्रो मुंबई। एक छोटा सा विराम।